हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप करना या सॉर्ट करना। आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रुप कर रहे हो। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो सपोज, तो अब जब आप मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हर एक आइटम जो होता है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा जाता है। जैसे आपको एक स्टेशनरी के ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी बुक्स जो होंगी वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में दिखेंगी, आपको पेंस जो होंगे वो एक अलग स्लॉट में रखे गए होंगे, सो दैट कि जब कस्टमर्स वहाँ पर आए तो वो अपनी अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो है वो परचेज कर सकें। तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक ईजी वे मिल जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और हम पर्टिकुलरली उसी जगह पर जाके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पिक कर लेते हैं। अब एज्यूम करें कि अगर सभी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में वहाँ पर ना रखी गई हो और एक पर्टिकुलर जगह पर ही सारी चीज़ें मिक्सअप करके रख दी गई हो, तो क्या आप इजीली वहाँ पर जाके अपनी जो रिक्वायर्ड आइटम है वो पिक कर सकते हैं वहाँ पर? नहीं, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ जो होगी वो बिल्कुल ही मिक्स फॉर्म में होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पिक करनी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को आप किस तरीके से ग्रुप करते हो, अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो पहले क्या था कि कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि एक वे ढूंढ रहे थे कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाएं जिसमें कि आप इन एलिमेंट्स को, जितने भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे, उनको आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर पाएं। तो कई सारे ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अटेम्प्ट्स दिए इस फील्ड में। उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल रहा। सो सबसे पहला अटेम्प्ट इस फील्ड में किसका रहा, 1817 में जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर ने डोबेराइनर ट्रेड दिया, जिसमें कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। सो ये मॉडल कब आया था, 1817 में, ठीक है। सो सेकंड आता है हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1866 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट 1872 में मेंडलीव ने हमें मेंडलीव्स लॉ दिए थे और उन्होंने अपना एक टेबल जो है वो प्रपोज किया था जिसके फीचर्स जो थे वो पहले दो मॉडल से अच्छे थे। सो मेंडलीव के बाद एट लास्ट 1913 में हेनरी मॉजली 1913 में हेनरी मॉजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया। सो आज के टाइम पे भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसने कई सारी जो पीछे के अटेम्प्ट्स हुए थे, साइंटिस्ट ने जो पीछे अटेम्प्ट्स किए थे, चाहे वो न्यूलैंड का था, मेंडलीव के थे या डोबेराइनर की बात थी, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो पहले के मॉडल से बहुत अच्छे थे। तो आज का लेक्चर बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था कि आपको पता चले क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए थे और क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या होती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।